जो ना हमने सुबह के लिए आटा वगैरह निकाल लिया, आटा जो ना गूंद के मैं जो ना देने जाऊंगी पप्पा के घर पे। काल कही चाहिए ना इटा थपन के साथ हम जा रहे हूँ इटा थपन। तो अभी जी अम्मी ने जरा मुझे नमक ला के दिए, कह रही है कि आटे में जरा नमक डालो क्योंकि बच्चे वगैरह जब पालन नहीं होता तो रोटी के साथ जो है खा लेते हैं ऐसी रोटी। ठंड बहुत लगती है। तो जी ये दूध है, दूध के ऊपर ये पीला पीला सा वाइट तहज नजर आ रही है, मक्खन की है। फिश कढ़ाई जो रात को हमने बनाई थी, फिश कढ़ाई जैसा कि झाड़ू दे रहे हैं। तो ये मेरी जिठानी का घर है जिसकी ऑपरेशन हुआ है, जिसकी बेटी फोट हो गई थी। मेरी बेटी वहाँ झाड़ू लगा रही है, मैं जिठानी को झाड़ू लगा के दे रही हूँ। रोज तो फिर हम लगा देती है, आज मैंने कहा मैं लगा देती हूँ। तो जैसा कि सुबह मेरा बुआ आया था तो बता रहा था, कल मेरा मियाँ भी बता रहा था आप लोगों को कि चोरी चकारी जो आजकल जो है ना बहुत ज़्यादा है, हमें इतनी डर लगता है कि हम आपको क्या बताएं। इसलिए बोलते हैं कि अपने प्यारे बहन भाई को लिंक शेयर करें, हमें आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और देखें ये मेरी जिठानी का घर, इधर से भी कहीं से नहीं दीवार, और वो भी मेरा घर भी ऐसे, मैं इधर झाड़ू लगा लूँ वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मेरे अबू बता रहे थे कल शाम को 7 बजे दिन में चोरी हुई, हमारी तो जैसा कि दीवारें भी नहीं है, हम तो अंदर जाके सो जाते हैं कमरे में, तो बाहर बच्चे उठाते हैं बाथरूम जाना होता है, तो इतनी बहुत ज़्यादा डर लगता है कि बस क्या बताएं। हमें आप लोगों पे उम्मीद है, आप लोग जितनी किसी हो सकती है सपोर्ट करें तो हमें ईंटें डलवा दें जितनी किसी से हो सकती है, ताकि हमारी जो है ना 4 दीवार जो है हो जाए, और हम सब लोग मेरे बच्चे आप लोगों को दिल से बहुत ज़्यादा दुआ देंगे। वहां पे जी मेरी पप्पो जो है जा रही हैं, हर दाल वगैरह उठा रहे हैं, मेरी खाला भी जा रही है और साथ में मेरा नाना अब्बू भी है। ये 10 लकड़ी मेरे अब्बू ने दी थी जो काट के हम लोगों ने धूप पे डाल दी है। गांव में इतनी ज्यादा सर्दी है कि 10 बज गए हैं तो अभी तक हमारी लकड़ी जो है ना शबनम जो है ना नहीं सूखी, गीली पड़ी है। मेरी पुप्पो जैसा कि हर दाल वगैरह उठा रही हैं और मेरी छोटी खाला झूले में सो रही है और मामू जो है यहाँ पे झूला वगैरह दे रहे हैं, पुप्पो जो है हमारे पास छोड़ के गई हैं, और ये जो है पुप्पो का छोटा बेटा हो गया, और मेरी चाची जो है ना यहाँ पे बैठी हुई है, अरहम को लेके बैठी हुई थी अभी जो है ना अरहम तंग कर रहा था तो अरहम जो है ना मैंने उठा लिया है। तो चाची सर्दी है, आज धूप भी नहीं निकली ना, सी लगा रहा चाची को। और क्या कहते हैं, चाची ने नाश्ता भी अभी किया है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही आज, तो पहले भी सर्दी होती थी आज है, आज लग रही है, अभी तो मज़ीद आएगी। तो अभी मैंने धो लिया है, जैसा कि हम अपने क्या खेत से ये हर दाल तोड़ कर लाए थे और हमने निकाल दिया है, तो इसका अम्मी सालन बनाएंगे कि हर दाल बनाएंगे, अम्मी सालन बनाएंगे या दाल बनाएंगे। का कोई सालन बनता है। मेरा बेटा हो रहा है।
आराम, क्या हुआ? आराम, आजादी मिल गई? ऊपर खड़े हो जाओ, आराम खड़े हो जाओ, ऊपर आराम खड़े हो जाओ। लो जी, यहाँ पे एक और नुकसान, खाला के हाथ से तवा जो है ना टूट गया है। अब हमारे पास था भी ये एक ही तवा, अब ये भी टूट गया। पता नहीं रोटी कैसे बनाऊंगी मैं। नुकसान कर दिया, छुट्टा खड़ा मैं कर अभी जैसा कि ज़मीन पूरी खाली की है तो गंदम का टाइम आ गया है, तो पूरी ज़मीनें जो है ना साफ कर ली है। और अभी अम्मी बहन और अब्बू लोग जो है ना हरदाल खा रहे हैं। ये कुछ भी रो रहा है, ये कह रहा है हरदाल तोड़ के दो, इसको दो खाएगा हरदाल। हाँ। हरदाल खानी है आराम को, बहुत ही अच्छी लगती है हरदाल। क्यों आराम? हाँ, स्माइल। इधर जैसा कि हर तरफ जो है ना कमांद ही कमांद है, कमांद यानी कि गन्ना। हाँ। अभी जैसा कि गुड़ भी तैयार होगा इसकी, और शक्कर भी तैयार होगी, और शाम का टाइम हो रहा है मगरिब का, और ऊपर से इधर से सी पैक रोड जो है ना बहुत ही नज़दीक है, और गाड़ियों का शोर भी आ रहा है। तो जी ये देखें, ये गाड़ी जा रही है सी पैक पे, तो बहन को जो है ना ये गठरा बंधा के उठा रही है। परवीन तुम उठाओगे या तुम्हारी बहन उठाएगी? अच्छा, तो जी ये हरदाल जो है ना सुखाई जाएगी, सुखा के इसको जो है ना कूटा जाएगा, कूट के इसमें से दाने निकाल के इस पुलाव में भी डलती है, और वैसे भी जो है ना खाई जाती है, उबाल के बहुत ही अच्छी होती है, ताकतवर होती है। आहा, परवीन उठा लोगी? रास्ते में नहीं गिर जाना जो है ना, मेरे से लंबा है। अच्छा चलो फिर। ओह, अम्मी के ऊपर हंस रहा है आराम भी। और ये देखें विवेक, इतनी दूर लेके जाना है, रास्ते देखें कितनी मुश्किल होती है जाने में। इनको देखें जी, ये जो है ना खेतों में आ गई हैं, और ये कपास तुम उठा के जाओगे, लकड़ियां वगैरह हैं छोटी जी। आराम और हम दोनों जा रहे हैं गन्ने के खेत में, सुनसान रास्तों में जा रहे हैं। क्यों आराम? हाँ, ये छोटे छोटे रास्ते हैं, यहाँ से गुजरना पड़ता है। और आराम कह रहा है नीचे देख के चलो। क्यों आराम? हाँ, और यहाँ से जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें हैवी वज़न लेके जाना पड़ता है, लकड़ियाँ वगैरह हो गई, और यहीं से गुजरते रहे हैं लकड़ियाँ वगैरह लेके। और ये इस तरफ से भी गन्ना है, इससे भी गन्ना है, बीच में से रास्ता है। और आज आराम को भी जो है ना साथ लेके आया हूँ। क्यों आराम? आराम आराम तवज्जो से देख रहा है। बनाया हुआ है तुम लोगों ने? किस चीज का घर बनाया हुआ है? खिलौनों का। इसमें खिलौने क्या क्या रखे हुए हैं बेटा? जेब में है। मामा भांजा जी खिलौनों के साथ खेल रहे हैं, उन्हें घर बनाया हुआ है। बेटा सालन चढ़ा दिया आपने? हाँ, यहाँ पे सालन चढ़ा। और आरिफ तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? खाने का? आग जला रहे हो? अच्छा, कितनी देर हो गई है सालन को चढ़ाए हुए? तकरीबन 15 मिनट। बन गया होगा। तो अच्छा जी, सामने जो है ना मेरा घर है, और ये सड़क है, और ये देखें आंधी आई है, और ये माँ हमने बचपन से इस पेड़ की किर को ऐसे ही देखा है खड़ा हुआ था। अब तकरीबन अभी जो हाल ही में आंधी और तूफान है उसके अंदर ये पूरा का पेड़ जो है ना कल्टी हो गया और ज़मीन पे गिर गया है,
और इसकी इतनी मजबूत जड़ें थी कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। तो ये फैमिली जो है ना कराची गई हुई है और इनके कमरे जो है ना ये थे और इनके दरवाजे जो है ना लोग तोड़ तोड़ के जो है ना लेके जा रहे हैं, चोरी किए जा रहे हैं इनके दरवाजे वगैरह, जैसा कि इनके दरख्त वगैरह भी होते हैं वो भी लोग काट के ले जाते हैं। यहाँ रहें तो इन सब चीज़ों की देखभाल होती है, अगर नहीं रहें तो यहाँ से ये चीज़ें जो होती हैं ना चोरी होना शुरू हो जाती हैं। तो व्यूअर्स देखें, ये एक दरवाजे का है नहीं है, दूसरे का भी दरवाज़ा चोरी हो चुका है, दो कमरे थे यहाँ पे, दोनों के दरवाजे जो है ना चोरी हो गए हैं, जो अंदर से सामान भी होगा वो भी जो है चोरी हो चुका होगा, छोटा मोटा सामान मुझे नहीं पता। और गांव के जैसा के लोग हैं वो चार दीवारी में भी रह के अपने आप को अनसेफ समझते हैं, हम लोग जो हमारे पास तो कोई माशाल्लाह दीवारें भी नहीं है और हमें हर वक्त जो है ना खौफ में मुब्तला रहते हैं कि कभी भी कुछ हो सकता है। और कुछ दिन पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया था कि रात को चोर आ गए थे और कुछ दिन अभी कुछ दिन बाद जो है ना भाभी ने उस तरफ आदमी को देखा, काले कपड़े पहन के खड़ा हुआ था और मेरी बेटी ने वहाँ से भागा तो भाई देख के आए। तो थोड़ी देर के बाद जो है ना मेरी बच्ची ने यहाँ चाय बना रही थी किचन में, तो यहाँ इधर पीछे जो है ना इस तरफ खड़ा हुआ था, उसने ऐसी लाइट मारी तो वहाँ उसने देखा, ये भी डर गई कि अबू जो है ना आदमी खड़ा है। मैं बाहर निकला, बाहर जाके मैंने देखा तो कोई भी नहीं था, वो भाग चुका था आदमी। तो हमें जो है ना वक्त खौफ रहता है, अल्लाह पाक हमारी जो है ना इतनी चैनल को आगे ले जाएं ताकि जो है ना हमारी जल्द से जल्द ये दीवारें कंप्लीट हो जाएं। और मैं अब प्यारे बहन भाइयों से इजाज़त लूँगा, कल मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।